Assalamualaikum 10th class बेटा, उम्मीद है आप सब डर खैरियत से होंगे। मैं आपको बताने में मदद, ऑनलाइन लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 17 चल रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब तक बेटा हमने लेक्चर नंबर 3 में पार्ट 1 में इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स या आलात जिनमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं उन्हें हम इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, मालूम जखीरा करने वाले आलात कहते हैं। मैं बहुत ही बेसिक जो आपके पास एग्जांपल्स थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादातर टॉपिक जो है वो नॉन लर्निंग है, लेकिन जब हमारा रिवीजन प्रॉपर स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे नॉन लर्निंग टॉपिक का भी कुछ ना कुछ आपने भावनाओं लेना है, आपने उसको कुछ ना कुछ याद करना है। फिलहाल जो उसमें बहुत ही बेसिक मैंने आपको डिटेल बताई थी, आपने जस्ट वही उसको लर्निंग के तौर पर लेके चलना है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, इसका पार्ट 2 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 के दो पार्ट हैं। लेक्चर नंबर पार्ट 1, इसमें हमने हार्ड डिस्क और उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये तमाम चीज़ें कंप्लीट की थी। जैसे मैंने आपको ये भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैश ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, इससे रिलेटेड आपका एक लेक्चर अलहदा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोर पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 नंबर का सवाल जो है आपका यहाँ से आ सकता है। टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वही डेफिनेशन है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, मालूम जखीरा करने वाला आला। द डिवाइस विच कैन डिजाइन टू स्टोर इंफॉर्मेशन, दीज डिवाइसेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म एंड लेजर टेक्नोलॉजी। ऐसे तमाम तर डिवाइसेस, ऐसे तमाम तर आलात जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन किसी किस्म की भी हो सकती है। ये तमाम तर जो डिवाइसेस हैं ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वे में काम कर रहे होते हैं, जबकि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इस तरीकेकार से लेजर टेक्नोलॉजी सिस्टम भी हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि डिवाइस ऐसे हैं जो कि लेजर टेक्नोलॉजी सिस्टम के तहत अपनी वर्किंग को एग्जीक्यूट करते हैं। जी, आज का पहला टॉपिक है फ्लैश ड्राइव, जिसे आप USB के नाम से जानते हैं। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, छोटी सी डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। देखिए जी, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस के ऊपर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इसको समझते हैं। बेसिकली इस डिवाइस में बहुत से इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ICs होते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस के तहत किसी भी किस्म के डाटा को 0 और 1 के सूरत में अपने अंदर स्टोर करते हैं। 0 और 1 का मतलब ये हो गया कि बाइनरी कोड यानी कि बूलियन वेरिएबल की सूरत में अपने अंदर डाटा स्टोर करते हैं। देखिए, ये बहुत छोटी डिवाइस है, बहुत ही हैंडी होती है ये, ठीक है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब टॉपिक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है मैं उसके बारे में बहुत आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, जब आप रीड करेंगे तो आपको साथ साथ समझ जाएगा बहुत जी। इसका एक फ़ायदा ये है कि हैंडी होने की वजह से, बहुत छोटा मटीरियल होने की वजह से, ठीक है, आप इसी भी इसको अपने पॉकेट में रख के इधर उधर लेके जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज लेके जा सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ पर जो भी आपने काम किया या जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी वर्किंग है, आप उस वर्किंग को एक बैकअप फाइल के तौर पर अपने इस USB डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, USB डिवाइस का एक फ़ायदा ये भी है कि ये बहुत वर्सेटाइल है, इसके अंदर आप हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो किसी किस्म की एनिमेशन हो, रिटन वर्क हो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, ठीक है, PDF फाइल हो या फिर कोई एनिमेशन हो या किसी भी किस्म की जो आपकी डिजाइंस है वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट वेटेड होने की वजह से आपको इसको कैरी करना बहुत आसान होता है, कोई खास सिस्टम नहीं चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, आप इसको एज ए किचन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके किचन में लगा लें, अपने बैग के साथ लगा लें आप, ठीक है, आप इसको प्रॉपर एक कवरिंग के साथ अपने गले में लटका लें, तो उतनी किस्म की लाइन पानी की जो चीज़ें हैं मैं आपको एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ। मजीद ये कि ना सिर्फ आप इसके अंदर बैकअप फाइल रख सकते हैं, बल्कि अगर आप प्रोफेशनल करियर में इसको यूज़ करते हैं तो आमतौर पर बेटा ये होता है कि जब आप अपने ऑफिस में या अपने यूनिवर्सिटी में जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सम टाइम आपको उस प्रोजेक्ट
पर काम करने के लिए आपको घर आकर भी काम आपको उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसको देखना होता है। तो आपने जितना काम एक जगह पर एक कंप्यूटर में किया, आप उस तमाम डाटा को, उस वर्किंग को दूसरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर आप इस USB के तहत जो है फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर वहाँ पर उसके ऊपर काम करने के बाद दोबारा आप उसको एक न्यू फाइल के तौर पर अपने पहले वाले यानी कि बेसिक कंप्यूटर है, जो मेजर कंप्यूटर है या सिस्टम है, आप उसके में इसको लेकर सेव कर सकते हैं। मजीद जो डिटेल लिखी हुई है वो बहुत ही आसान है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखिए असल में ये है इस तरह की चीज़ें, अगर आप जनरल प्रोसीजर बेटा USB क्या होता है, आप कहेंगे सर ये छोटा सा वो एक डॉमस्टिक के साइड का ठीक है, एक छोटा सा आपके पास एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, तो यही काफ़ी है। बाकी जो इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है वो आप जैसे जैसे इस टॉपिक की रीडिंग करेंगे आपको साफ से समझ आएगा, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है, डिफाइन इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन फ्लैश ड्राइव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क CD। देखिए जी CD आप लोगों ने मार्केट में देखी होगी, आपने आपके घर में भी मुख्य किस्म की सीरीज पड़ी होती है, ठीक है। एक सर्कुलर पैकेट के ऊपर आपको एक प्लास्टिक की बनी एक छोटा सा पीस नज़र आता है, ठीक है, जिसे आप CD रोम में लगा कर अपने काम को करते हैं। देखिए जी CD का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लेजर टेक्नोलॉजी है, मतलब लेजर टेक्नोलॉजी के तहत आप CD के अंदर डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और यहाँ से डाटा रीड भी कर सकते हैं, मतलब रीड एंड राइट आप डाटा जो ऑलरेडी वहाँ होगा आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और कुछ ऐसी सीरीज भी होती हैं, ठीक है, RW सीरीज जिसको कहते हैं, ये ऐसी सीरीज होती है जिसपे आप पहले से लिखा हुआ तमाम डाटा को रिमूव करके उसको एलिमिनेट करके न्यू डाटा या आप उसके अंदर अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा रिस्टोर माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स पिट्स एंड लैंड्स। देखिए एक CD के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पैटर्न को समझाने के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम बनी हुई है सही वैसे ही बनाई है मैंने। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, एक कहलाता है पिट्स और एक कहलाता है लैंड। अब ये पिट क्या है? पिट आर द स्पाइरल ट्रैक्स इंकोडेड ऑन द टॉप सर्फेस ऑफ द CD। देखिए CD की जो बिल्कुल ऊपरी सतह है उसके ऊपर एक स्पाइरल वेव, ठीक है, एक जीनादार तरीके में एक खास किस्म का डिज़ाइन होता है जिस पर डाटा को स्टोर किया जाता है। बेटा जो पिट्स पर जो डाटा स्टोर होगा जो या वहाँ से डाटा आपको मिलेगा वो बाइनरी कोड 1 की स्टोर में, ठीक है, बाइनरी कोड 1 की स्टोर में। मतलब क्योंकि आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 में भी बताया था कि डिफरेंट डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं बाइनरी कोड की स्टोर में, ठीक है, डिजिटल स्टोर में। इस तरीके से लैंड्स क्या है? लैंड दरअसल पिट्स के दरमियान के एक उभरी सतह होती है, ठीक है, बेसिकली ये आपको क्लियर नज़र नहीं आती लेकिन इसी के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ जो डाटा स्टोर होता है वो 0 की सूरत में होता है। यहाँ मैंने एक वर्ड कहा था माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग। देखिए रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये हो गया कि लेजर टेक्नोलॉजी लेजर बीम से जो एक लेजर डिवाइस से जब लेजर बीम इस CD के ऊपर पड़ रही होती है, इसलिए होता ही है, अगर मैं आपको इसका जरा मैकेनिज्म समझा दूँ, जब आप CD के ऊपर एक CD लगाते हैं तो वो एक खास किस्म के शार्प के जरिए वो CD बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करती है, ठीक है। तो इस रोटेशन के दौरान क्या होता है कि एक CD जब रोटेट कर रही होगी तो उसके ऊपर लेजर बीम पड़ रही होगी, तो लेजर बीम बार बार ब्लिंक करती है, वो ब्लिंकिंग की वजह ही यही होती है क्योंकि वो लेजर बीम एक वक्त में लैंड्स और पिट्स दोनों के ऊपर पड़ रही होती है। लैंड दरअसल नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है और पिट्स इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग रीजन होता है जहाँ पर डाटा बन होता है। तो वो जो उसकी ब्लिंकिंग होती है, ठीक है, वो प्रॉपर इंटरनल की ब्लिंकिंग हो रही होती है लेजर लाइट की, ठीक है, वो ब्लिंकिंग ही डाटा बना रही होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बनाकर एग्जीक्यूट करती है और आपको स्क्रीन पर दिखाती है कि आपको जो है ना अगर तो वॉइस की सूरत में हो आवाज़ की सूरत में हो आपको स्पीकर के ऊपर सुनाई देगी जी। फिर होता ये है कि जब तेज़ी के साथ ये CD रोटेट करती है, इसकी रोटेशन बहुत तेज़ होती है, ठीक है, RPM ठीक है रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट के हिसाब से उसको मेजर करते हैं, वहाँ से जो डाटा या लेजर बीम रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक खास किस्म के रिसेप्टर पर मिलती है। ये रिसेप्टर दरअसल 0 और 1 की सूरत में डाटा को इकट्ठा करता है,
अब जीरो और वन बार बार जीरो वन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो 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 इस तरह आपको एक डाटा मिलता है और वो डाटा एक खास किस्म के जो अल्फाबेटिक कोड्स बनाता है, ठीक है। तो कोड जो होंगे वो प्रॉपरली रिसेप्टर पर हासिल होंगे और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन से आने हमारे आउटपुट डिवाइसेस पर इसका डाटा सामने नजर आएगा कि आप जब कैसे होगा। रिसेप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड जीरो एंड वन, यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जीरो और वन बाइनरी कोड की मिलेगी। ये था बेटा जी आपके सी डी से रिलेटेड टॉपिक। लेकिन सी डी के साथ साथ एक और वर्ड भी आपने सुना होगा, डी वी डी, ठीक है। डीवीडी क्या होती है? देखिए डीवीडी भी एक सीडी वर्जन ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस होती है। देखिए सीडी के ऊपर और डीवीडी के ऊपर जो कोटिंग होती है, ठीक है, जो डाटा की कोटिंग होती है और उसके अलावा इस डाटा को स्टोर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, सिर्फ इसका फर्क है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर जो तस्वर किया जाता है इन दोनों में वो डीवीडी है जी। दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट होती है। सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी है 680 MB, 680 MB, ठीक है। अब ये मेगाबाइट जो है ये डाटा के लिए आपका एक यूनिट है, बाइट्स जो है वो डाटा के लिए यूनिट है, मेगा इज अ प्रीफिक्स क्लियर, जिसे आप नाइन क्लास पढ़ चुके हैं। डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 17 GB, 17 GB, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक दफा बोर्ड में भी आ चुका है कि सीडी और डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी लिखिए, ठीक है। The storage capacity of CD is 680 MB and DVD 17 GB. ठीक है, ये आपके लिए क्लास में टॉपिक क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में दो तीन दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेटा से रिलेटेड जो यूनिट है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। 1 KB 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ठीक है। बाइट जो है वो बिट से बनता है। अब ये बाइट और बिट में क्या फर्क है ये मैं आपको चैप्टर नंबर 17 के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB, 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB, ठीक है। बेसिक जो है वो 1024, मतलब ये जो आप डिफरेंट किस्म के पैकेजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो आप 1000 MB कहते हैं, 2000 MB कहते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपका जो है ना ये इसी यूनिट के साथ साथ आ रहे होते हैं, ठीक हो गया। मतलब आप कहते हैं कि मैंने एक पैकेज करवाया है जी मोबाइल फोन में डाटा इंटरनेट यूज़ करने के लिए 5 GB का या 6 GB का या 12 GB का, तो वो जो GB होता है वो बेसिकली आप उतना डाटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है कि 1 KB जो है वो इतने बाइट्स के बराबर है, 1 MB इतने किलो बाइट्स के बराबर है और 1 GB इतने मेगा बाइट्स के बराबर है, ठीक हो गया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने ये भी बता दिया कि सीडी पर रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से होते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है लैंड। लैंड क्या होता है? लैंड इज द एरिया बिटवीन बिट्स। जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है जिस पर डाटा 1 की सूरत में आता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस दरअसल स्पाइरल ट्रैक होता है जो कि सीडी के ऊपरी सतह पर, ठीक है, बिल्कुल टॉप जो सरफेस है वहां पर डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ 1, ठीक है। पिट्स में 1 आ जाएगा और लैंड में आ जाएगा 0, क्लियर हो गया जी। इसी तरीके का से आपसे मजीद शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंप्यूटर के स्टूडेंट जो है उनके लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन बायो के जो स्टूडेंट हैं बेटा आपने भी परेशान नहीं होना। रीडिंग इज द की, अगर आप अच्छे तरीके से रीडिंग करते हैं, ठीक है, इसके बाद जैसे मैं आपको पूछा गया यू आर अ गुड रीडर देन यू विल बी अ गुड लीडर। अगर आप रीडिंग अच्छे तरीके से करते हैं, आप मुतालिया बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपको नॉलेज आता है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, आपको समझ आती है। समटाइम होता है कि एक वर्ड समझ नहीं आता, गैप का मसला होता है, तो आप सर्च करें, ठीक है, या फिर जब आपको ऑनलाइन सेशन होती हैं या ग्रुप में जो डिफरेंट किस्म की डिस्कशन होती है आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ये था बेटा जी आपका लेक्चर नंबर 3 पार्ट 4 सॉरी पार्ट 2 था, ठीक है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं तमाम